नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। एक तरह जहां पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, पूरे देश में हालात बड़े ही भयावह हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गाँव में घर घर जाकर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मदद से जांच अभियान शुरू किया गया। झांसी में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव में घर घर जाकर लोगों की जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। यूपी सरकार कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए आज से गांव में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें झांसी में भी सर्वे घर घर जाकर आशा आंगनबाड़ी द्वारा किया गया। ऑक्सीमीटर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल नापा गया, साथ ही थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर लिया गया। कोविड के लक्षण मिलने पर उन्हें चिन्हित कर टेस्ट किया जाएगा, लेकिन झांसी में आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव में सर्वे के दौरान बिना सुरक्षा किट के ही जांच करती नजर आईं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है कि जांच करने वाली टीम कहीं खुद कोरोना संक्रमित ना हो जाए। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आपकी माता जी क्या है? आशा है? हमारी माता जी आशा है। वो कहाँ है? समय दो मामा। तो इधर गांव में सर्वे किसने की? गांव में सर्वे। माता जी का क्या नाम है? अच्छा, वो दूसरी जो आशा है वो शायद तुलसा देवी। उनने भी सर्वे नहीं की? नहीं की। उनके भी लड़के ने सर्वे की? क्योंकि देख लीजिए, कोविड महामारी चल रही है, इसमें अचानक इस माह में जो है केस अचानक ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि आशा और आंगनवाड़ी के माध्यम से घर घर जो है कोविड 19 का सर्वे कराए। इसमें हमारे ब्लॉक में 159 टीमें लगी हैं, उस टीम में आशा और आंगनवाड़ी लगी हुई है। ये जो है घर घर जाएंगी, हर घर में भ्रमण करेंगी। जिस घर में अगर कोई व्यक्ति खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द सिर दर्द अचानक जो है कमजोरी का मिलता है तो उसको दवा देंगी। दवाओं की किट भी हम लोगों ने आशाओं को दे दी है और उसमें उनको बता भी दिया है, एक मरीज को एक ही किट दे दी। तो ये प्रोग्राम हमारा आज 5 मई से लेकर 9 मई तक बराबर जारी रहेगा और इस तरह पूरे क्षेत्र का जो सर्वे हो जाएगा, जो लोग चिन्हित निकल के आएंगे जिनमें कोई भी लक्षण है सर्दी बुखार जुकाम के, उनकी अलग से लाइन लिस्टिंग रिपोर्टिंग होगी और उनका जो है। लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब भी संभलिए और कोविड के नियमों का पालन करें। मास्क पहने, घर से तभी निकले जब कोई आवश्यक कार्य हो, यदि निकले भी तो मास्क पहने। आप सभी लोग घर पर घर बैठे देखते रहिए बुंदेलखंड की तमाम खबरें। कोविड की लगातार अपडेट्स और सरकार की सभी गतिविधियों पर होगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की नजर। और इतने कम समय में बुंदेलखंड न्यूज 24 को जो आपने प्यार दिया है और उसे नंबर 1 बनाया है, उन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24, खबर हर पल की जो तहता।